पार्टिसिपेशन बाय पीपल, पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन कंट्री साइड, कंट्री साइड जब भी वर्ड ये कंट्री साइड आएगा इट मीन्स आपने सिटीज का नहीं बताना, आपने विलेज एरियाज का बताना। तो तीन तरह की पार्टिसिपेशन हमेशा याद करना, अगर हम नॉन कोऑपरेशन यानी कि इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर वन पीजेंट्स, नंबर टू ट्राइबल्स, नंबर थ्री प्लांटेशन वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स, ये है पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट्स ट्राइबल्स प्लांटेशन वर्कर्स इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऐसा ही एक और टॉपिक हम करेंगे, वो करेंगे पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि दोनों क्वेश्चंस काफी हद तक सेम होते हैं, लेकिन आप इसको उसमें नहीं लिखोगे और उसको इसमें नहीं लिखोगे क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सबसे पहले जब हम करेंगे पार्टिसिपेशन बाय पीजेंट्स, पीजेंट्स रिवोल्ट, हमने ये बताना है पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मीनिंग कैसे लिया। और जब हम यहाँ पे पीजेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट लैंडलेस, जो लैंडलेस फार्मर्स थे जिनके पास अपनी लैंड नहीं थी, या जो टेनेंट्स, टेनेंट्स कौन होते हैं जो रेंट पे लेते हैं, टेनेंट्स, उनकी लड़ाई ब्रिटिशर्स के साथ नहीं थी, उनकी लड़ाई अपने ही विलेज के जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे वर्सेस, मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वो उनको हेट करते थे, रिच लैंडलॉर्ड्स, ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखो, रिच लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, वर्सेस रिच लैंडलॉर्ड्स, क्लियर। अब पहले अपना बेस तैयार करो कि पीजेंट्स का रिवोल्ट, यहाँ पे पीजेंट्स का रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था, यहाँ पे विलेज में रहने वाले जो लैंडलेस या टेनेंट्स थे, देवर अगेंस्ट देयर रिच लैंडलॉर्ड्स, यानी कि ये जो लैंडलेस थे, टेनेंट्स थे, वो इन लैंडलॉर्ड्स की लैंड में काम करते थे क्योंकि उनके पास अपनी लैंड नहीं थी, लेकिन बदले में इनकी जो भी सैलरीज होती थी या जो भी इनको मिलता था, उनके बदले में इनको रिच लैंडलॉर्ड्स को क्या देना पड़ता था, हाई रेवेन्यू, हाई टैक्सेस, हाई रेवेन्यू। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब नंबर वन सबसे आपने बताना है कि मैनी पीपल दे पार्टिसिपेटेड, मैनी पीजेंट्स एंड फार्मर्स दे पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नंबर वन उनका रीजन क्या था, दे वर सम ऑफ दीज वर लैंडलेस, सम वर टेनेंट्स एंड दे वर्क इन द फील्ड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स, रिच लैंडलॉर्ड्स, ये काम खुद नहीं करते थे बल्कि इनसे काम करवाते थे, बदले में इनको क्या दी जाती थी, पेमेंट्स दी जाती थी, लेकिन उन पेमेंट्स का कितना ही परसेंट जो था वो हाई रेवेन्यू की फॉर्म में रिच लैंडलॉर्ड्स इनसे एक्सट्रैक्ट करते थे। क्योंकि आपको पता जमींदारी सिस्टम, आपने 8th में पढ़ा था ना जमींदारी सिस्टम, क्या होता था जमींदारी सिस्टम, जमींदार इनको जमींदार बना दिया, और ये जमींदार क्या करते थे, अपने एरिया का पूरा टैक्स कलेक्ट करते, किसको देते थे, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को, हम ब्रिटिश टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जितना टैक्स ज्यादा होगा, जितना रेवेन्यू ज्यादा होगा, उनकी जमींदारी बनी रहेगी, अगर टैक्स कम होगा, रेवेन्यू कम होगा, तो उनकी जमींदारी छिन जाएगी। इसीलिए उस टाइम पीरियड में जमींदार जो थे, रिच लैंडलॉर्ड जो थे, वो अपने अपने एरिया के जो फार्मर्स थे उनपे ही, उनको ही एक्सप्लॉइट करते। अब इनकी एक्सप्लॉयटेशन जो थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, इनकी एक्सप्लॉयटेशन, इन्होंने कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तो इसके लिए हमने ये भी बताना है कि काफी देर तक कांग्रेस पार्टी ने लैंडलेस या टेनेंट्स या फार्मर जो है उनको सपोर्ट किया। अवध किसान सभा बनाई गई, अवध किसान सभा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के इम्पोर्टेंट जो लीडर थे, उन्होंने इन किसानों के लिए अवध किसान सभा बनाई। हम बात कर रहे हैं पीजेंट्स रिवोल्ट और कहाँ पे, अवध, बिकॉज ये जो एरिया है हम अवध की बात कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अवध, अवध पीजेंट्स रिवोल्ट। अवध कहाँ पे है, यूपी, उत्तर प्रदेश। इट मीन्स हमने सिर्फ एक स्टेट ली है, एक एग्जाम्पल लिया है कि अवध में जो लैंडलेस टेनेंट्स थे उनको एक्सप्लॉयट किया जाता था उनके ही जमींदारों से, क्योंकि जमींदारी सिस्टम के अंडर दे वर गिवन हाई, दे हैड टू पे हाई रेवेन्यूज एंड टैक्सेस टू द रिच लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। नो डाउट दीज वर सपोर्टेड बाय कांग्रेस पार्टी, अवध किसान सभा बनाई भी गई, लेकिन लेटर ऑन जब इन्होंने रिवोल्ट किया, रिवोल्ट कैसे किया,
इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या लिया कि गांधी राज मतलब स्वराज, यानी कि इनके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब था नॉट टू पे टैक्सेस टू द रिच लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, इनका ये मानना था कि हम टैक्सेस नहीं देंगे। सेकंड थिंग इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन स्टोर हाउसेस ऑफ रिच लैंडलॉर्ड्स। जैसे याद है आपने यूरोप में किया था सिलेशिया का रिवोल्ट, सिलेशिया में कॉन्ट्रैक्टर्स ने ही जो है जब वीवर्स को एक्सप्लॉइट किया था, तो वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के एरियाज या जो उनके स्टोर हाउसेस थे बर्न द डॉक्यूमेंट्स। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स और जो टेनेंट्स थे वो अपने ही विलेज एरियाज में जमींदारों के अगेंस्ट हो गए थे। यहाँ पे बच्चे एक टर्म आती है नाई धोबी बंद, आपने पढ़ा होगा एक टर्म आती है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो जमींदार थे ये बहुत रिच थे, ये सर्विसेज खुद यानी कि जो भी बार्बर फैसिलिटी होती है, कटिंग हेयर कटिंग की फैसिलिटी या वॉशरमैन की जो फैसिलिटी होती है, तो कौन करते थे इनके लिए, ये टेनेंट्स ही करते थे या बहुत से लेबर्स करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इनका क्या कर दिया, सोशल बॉयकॉट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सिटी पीपल ने किया फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट, इन्होंने क्या किया लैंडलेस जो है टेनेंट्स है इन्होंने इनका ही सोशल बॉयकॉट कर दिया। सोशल बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, इनको सर्विसेज प्रोवाइड ना करना। अब अगर रिच लैंडलॉर्ड्स हैं उनको बार्बर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सफाई की फैसिलिटी नहीं होगी या वॉशरमैन की फैसिलिटी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली विलेज एरियाज में रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो लैंडलेस पीपल फार्मर्स एंड पुअर पीजेंट्स दे टुक द रॉन्ग मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन देयर ओन दरवाजा। नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग जो है इन्होंने अपनी तरफ से कैसे लिया, नंबर वन दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन द स्टोर हाउसेस एंड जहां पे भी इन्होंने अपना ग्रेन स्टोर किया हुआ था, ठीक है, उनके हाउसेस पे अटैक करना शुरू कर दिया। नंबर टू आपने क्या बताना है, दे स्टार्टेड नाई धोबी बंद का मतलब होता है एक ऐसी हड़ताल जिसमें जो वीकर सेक्शंस हैं वो रिच पीपल जो है उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी सर्विसेज या जो भी उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा, इनमें से बहुत से ऐसे जमींदार थे ना जिन जमींदारों ने अपने एरियाज में बेगार, उस टाइम पीरियड में इंडिया में ये ट्रेंड बहुत था, बेगार क्या होता है, वन वर्ड मीनिंग क्या होता है बेगार का, बॉन्डेड लेबर। बॉन्ड मीन्स एक पेपर पे साइन करवाना, बंधुआ मजदूर जिसे कहते हैं आपने सुना होगा है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जमींदार क्या करते थे उस टाइम पीरियड में, ये लोग इलिटरेट होते थे और इनकी इलिटरेसी का फायदा कैसे उठाते थे, खाली पेपर पे इनसे थंब इंप्रेशन अंगूठा जो है वो प्रिंट ले लिया जाता था और उसके बाद ये जो फार्मर्स होते थे इनके पास जो भी इनके एसेट्स होते थे वो सारा जो है वो जमींदार अपने पास रख लेते थे। बदले में जमींदार इनको महीने का राशन या रहने के लिए फैसिलिटीज या इनकी फैमिलीज के लिए जो है वो मनी देते रहते थे, लेकिन बदले में उनको थ्रू आउट द लाइफ उनको अपना गुलाम बना लेते थे, ठीक है। और यही जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहता था। जब फादर की डेथ हो गई तो उसने क्या किया, अपने बच्चों को इन्हीं फैमिलीज का क्या बना दिया, गुलाम बना दिया। तो ऐसा ट्रेंड उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में था, बेसिकली विलेज एरियाज में ज्यादा होता था गुलामी, बंधुआ मजदूर, काइंड ऑफ ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या होता है, कुछ अच्छा एक और सिस्टम था स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब होता है जिस फैमिली के स्टैम्प लग जाएगी इसका मतलब वो फैमिली इनकी क्या है, गुलाम रहेगी, वो फैमिली के आगे मेंबर्स भी इनके गुलाम रहेंगे, मतलब उनके कहने पर ही काम करेंगे, ऐसे बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है काइंड ऑफ बॉन्ड साइन कर लेना और उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ जो है वो अपने मालिक जो उनके जमींदार होते थे उनकी वो गुलामी करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया, ये बॉन्डेड लेबर जो थे ये बेगारी को बंद करना चाहते थे। इनके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या था, इनके लिए गांधी राज का मतलब, इनके लिए स्वराज का मतलब था टू फ्री फ्रॉम बेगार। ये चाहते थे कि ये जो बेगार सिस्टम है इसको अबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो दैट वाज अ मेन रीजन ऑफ पार्टिसिपेशन इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय दीज पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, लैंडलेस पीपल या फिर टेनेंट्स। बट व्हेन दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन दीज रिच लैंडलॉर्ड्स, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने इनसे अपना सपोर्ट क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। और अब इन लोगों को क्या लगता था कि कांग्रेस पार्टी इनको सपोर्ट नहीं कर रही, किनको सपोर्ट कर रही, लैंडलॉर्ड्स। और इसीलिए उसके बाद कांग्रेस पार्टी और इनके बीच के रिलेशन जो है वो क्या होते गए, खराब होते गए। यानी कि अब लोगों को लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो रिच लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट कर रही है, पुअर पीजेंट्स जो है उनसे अपना सपोर्ट विथड्रॉ कर लिया गया है,
एंड लेटर ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कई एरियाज में वॉयलेंट हो गई बाद में। यही ये भी एक रीजन था कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया, विथड्रॉ किया। एक तो चोरी चोरा इंसिडेंट, दूसरा आप ये भी बता सकते हो कि पीजेंट्स एंड फार्मर्स जो थे वो सत्याग्रह का रियल मीनिंग जो है वो नहीं जान पाए। उनके लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब है नॉट टू कॉपरेट विद द रिच लैंडलॉर्ड्स, दे अटैक्ड ऑन द फील्ड्स एंड फार्म्स, दे वांटेड टू अबॉलिश बेगार सिस्टम एंड दे रिफ्यूज टू पे हाई रेवेन्यू एंड टैक्सेस टू द रिच लैंडलॉर्ड्स। क्लियर है इतना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इट इज क्लियर टू यू? कार्तिक, अवेश, माधव, पलक, सजल, तृप्ति, एकजोत, कनिष्का, दिलप्रीत, क्लियर? जो भी ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। यू हैव टू कंप्लीट अ टॉपिक, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 5 मार्क्स आल्सो। अदरवाइज इस क्वेश्चन में एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको ये 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूरा प्रिपेयर करना है। सो रीड द चैप्टर प्रॉपरली एंड प्रिपेयर द पॉइंट्स फॉर, क्लियर? आगे हम करेंगे सेकेंड ट्राइबल्स। ये भी आपने देखा होगा सीबीएसई सैंपल पेपर में ही अलग से क्वेश्चन है ट्राइबल्स। व्हाट डू यू नो अबाउट द ट्राइबल्स पार्टिसिपेशन इन नॉन कोऑपरेशन? अब हमने इनके बारे में बताना है कि ट्राइबल्स पीपल की क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मीनिंग अपने अकॉर्डिंग लिया, ट्राइबल्स रिवोल्ट या ट्राइबल्स पार्टिसिपेशन। अदरवाइज इस क्वेश्चन में ये सेकेंड पॉइंट बनेगा लेकिन वैसे अगर ये क्वेश्चन आपका सेपरेट आ सकता है। अब सबसे पहले उसमें अच्छा एक और मैंने फर्स्ट में एक मैटर करा था, जो लीडर थे पीजेंट्स के लीडर उनका नाम क्या था? बाबा राम चंद्र सन्नी, ये टर्म जरूर याद रखना। इन्होंने किनको सपोर्ट किया? पुअर पीजेंट्स, बॉन्डेड लेबर को सपोर्ट किया और उन्हीं के सपोर्ट के कारण ही उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। बाबा रामचंद्र सन्यासी वॉज अ लीडर ऑफ पुअर पीजेंट्स। ऐसे ही इस टॉपिक में ट्राइबल्स के लिए आप मेन नाम याद रखोगे, एक ट्राइबल पर्सन उसका नाम क्या था? अलूरी सीताराम राजू, ये एक ट्राइबल लीडर था। ही वॉज अ लीडर ऑफ द ट्राइबल पीपल, अलूरी सीताराम राजू। कौन थे ये? महात्मा गांधी को फॉलो करते, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, इसीलिए वो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी लाइक खादी, he insisted his followers to wear khadi, to adopt khadi. Second, gave up drinking, gave up liquor. यानी कि उसने अपने followers को क्या कहा? Not to drink liquor. ठीक है, महात्मा गांधी के जो भी rules and regulations या जो भी वो सत्याग्रह के according बताते थे इन्होंने अपने followers को बताना शुरू किया। ठीक है, अब क्या हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पीरियड में या उससे भी पहले, यानी कि थोड़ी हिस्ट्री में अगर जाए, when Britishers came in our country, reason हमने बताना है that they enacted some forest laws. यानी कि जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने कुछ फॉरेस्ट लॉज बनाए थे। उन फॉरेस्ट लॉज का बनाने का मेन मोटिव क्या था कि nomadics या जो pastoralists होते हैं, pastoralists कौन होते हैं? जो पास्टर्स होते हैं, ग्रेजिंग लैंड। पास्टर्स क्या होते हैं? ग्रेजिंग लैंड, जहां पे ये पेस्टोरलिस्ट अपने शीप गॉट एनिमल्स को क्या लेकर जाते हैं? ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते हैं। तो ब्रिटिशर चाहते थे कि इन पेस्टोरलिस्ट से क्या लिया जाए? टैक्स लिया जाए। या फिर जो नोमैडिक होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, नोमैडिक कम्युनिटीज, हमारे इंडिया में तो बहुत से ट्राइबल्स है, इवन आज भी हैं। हमें नहीं पता कि फॉरेस्ट एरियाज में कितने जो है वो ट्राइबल्स पीपल दे आर लिविंग, नोमैडिक कह लो या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, दोज लाइक आपने 8 में पढ़ा होगा ये, दोज हु कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब प्रॉब्लम क्या थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टैक्सेस फ्रॉम दीज पीपल बट दीज पीपल दे कीप ऑन शिफ्टिंग, उनका एक एड्रेस नहीं था और एक एरिया नहीं था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनकी एंट्री को बैन करने के लिए, यानी कि इनकी मूवमेंट को बंद करने के लिए ताकि ये एक जगह टिककर रहे, दे रिजर्व द फॉरेस्ट, डिवाइडेड द फॉरेस्ट इनटू टू पार्ट्स, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड। क्या फर्क था दोनों में? जो तो रिजर्व फॉरेस्ट थे उसमें इन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स या ट्राइबल्स की एंट्री टोटली क्या कर दी? बैन कर दी।
लेकिन जो प्रोटेक्टेड थे यानी कि इनको अलाउ किया गया कि दे कुड एंटर, ट्राइबल्स कुड एंटर, बट दे नीडेड परमिशन या परमिट, उनको प्रॉपर पास बना दिया जाएगा. एंड दैट वाज अ स्ट्रेंज थिंग, दे हैड टू पे टैक्स ऑन ईच एंड एवरी एनिमल. यानी कि अब ये पेस्टोरलिस्ट अगर इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, जितने एनिमल्स लेकर जाएंगे, जितना वहां से सामान लेंगे, वुड लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेंगे, उनके लिए उनको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन मोटिव था. अब आप खुद सोचो कि हमारी कंट्री में ये ट्राइबल्स फ्री में ये सामान ले रहे थे पहले, उनको किसी भी तरह से कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती थी, ये उनके कस्टमरी राइट्स थे. उन कस्टमरी का मतलब उनका कस्टम था ये. लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से इनके जो राइट्स हैं इनसे छीन लिए गए. अब ये बेचारे जो है फॉरेस्ट एरियाज में नहीं रहेंगे और बाहर की जनता इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी. ट्राइबल्स अंदर ही रहेंगे, अगर बाहर जाएंगे तो लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इनका कल्चर जो है डिस्टर्ब हो गया. ऐसे में अलूरी सीताराम राजू और बहुत से ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स, दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. एंड व्हेन दे हर्ड अबाउट द न्यूज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की न्यूज सुनी, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मीनिंग अपने अकॉर्डिंग क्या लिया? नॉट टू फॉलो और टू ब्रेक फॉरेस्ट लॉज. टू ब्रेक फॉरेस्ट लॉज, इनके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब था नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स एंड टू ब्रेक फॉरेस्ट लॉज. और क्या किया? दे अटैक्ड ऑन फॉरेस्ट गार्ड्स. उस टाइम पीरियड में जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते थे, जो उन प्रोटेक्टेड एरियाज में थे, अपॉइंट किया गया था. दे अटैक्ड ऑन दीज फॉरेस्ट ऑफिसर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स, और इन्होंने क्या किया? दे किल्ड मैनी फॉरेस्ट ऑफिसर्स, उनको जबरदस्ती मारना शुरू कर दिया. एंड सम ऑफ दीज ट्राइबल कम्युनिटीज वर डिक्लेयर्ड क्रिमिनल. कई कम्युनिटीज को ब्रिटिशर्स ने क्या डिक्लेयर कर दिया? क्रिमिनल ट्राइब्स. इनको क्या बना दिया गया? क्रिमिनल ट्राइब्स. अलूरी सीताराम राजू को ट्राइबल्स अपना गॉड मानते थे और जो वो कहता था वो सारे उसको फॉलो करते थे. ठीक है, इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गुरिल्ला मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल थी. गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मूवमेंट जिस मूवमेंट में जो ट्राइबल्स होते हैं ना, लाइक गुरिल्ला मंकीज की तरह, इतने ज्यादा ये ट्रेंड होते हैं ट्रीज को शिफ्ट करना, लाइक फ्रॉम वन ट्री टू अनदर जंपिंग जो होता है. तो उस टाइम पीरियड में फॉरेस्ट जो गार्ड्स थे, दे वर नॉट एबल टू कैप्चर देम, उनको पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि फॉरेस्ट की नॉलेज इनको ज्यादा होती थी. ठीक है, और इसीलिए काफी टाइम तक इनको पकड़ा नहीं गया. लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पीरियड में पुलिस जो है उसने क्या किया? फॉरेस्ट एरियाज में एंटर किया एंड उन काफी जो ट्राइबल्स हैं उनको शूट किया गया. और उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अलूरी सीताराम राजू को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया. ही वॉज अरेस्टेड इन विच ईयर? 1924. यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बंद होने तक भी इसको अरेस्ट नहीं किया गया. व्हेन ही वाज अरेस्टेड 1924, देन ही वाज गिवन एग्जीक्यूट मींस हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा दे दी गई थी. और इनको देने के बाद बाकी सारी ट्राइबल्स एक्टिविटीज को कर्ब कर लिया गया, यानी कि सप्रेस कर लिया. ट्राइबल्स का रिवोल्ट जो है वो सप्रेस कर दिया, क्योंकि ट्राइबल्स के जो वेपन्स थे उनके पास वेपन्स इतने स्ट्रांग नहीं थे. बट स्टिल वी कैन से इनकी कोऑपरेशन थी, लेकिन इनकी कोऑपरेशन इनके अपने मोटिव्स के लिए. लेकिन इन्होंने गलती क्या की? दे टर्न वायलेंट और उन्होंने महात्मा, अब देखा जाए कहीं हद तक हम ये कह सकते हैं कि जिसके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन आती है वो तब ये नहीं सोचते कि व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, वो हमेशा क्या करते हैं? रेसिस्ट करते हैं, रिटेलिएट करते हैं. तो मे बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मीनिंग इनके लिए क्या था कि जो इनको राइट्स दिए गए थे उन राइट्स को वापस लेना, और इसके लिए कुछ इन्होंने ऐसे एक्शन किए जो वायलेंट थे. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, इन्होंने भी अपने राइट्स के लिए फाइट किया, बट इनका जो वे था दैट वाज वायलेंट एंड दैट्स व्हाई दे वर नॉट सपोर्टेड बाय कांग्रेस पार्टी. कांग्रेस पार्टी ने इनको सपोर्ट नहीं किया. ठीक है, उसके बाद थर्ड आ जाओ, प्लांटेशन वर्कर्स की प्रॉब्लम क्या थी, इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे. ये हमने सिर्फ एक स्टेट पढ़नी है. अच्छा, इसमें सेकंड जो है अलूरी सीताराम राजू, उनका प्लेस आपने जरूर बताना है, गुडैम हिल्स इन आंध्र प्रदेश. गुडैम हिल्स इन आंध्र प्रदेश, ये आपने स्टेट जरूर मेंशन करना है, एरिया बताना है. ऐसे ही नंबर वन हमने बताया अवध इन उत्तर प्रदेश, नंबर टू बताया गुडैम हिल्स इन आंध्र प्रदेश, अब हम थर्ड बताएंगे असम
प्लांटेशन वर्कर्स पार्टिसिपेशन। असम की असम स्टेट सबसे फेमस क्यों है? फॉर टी, टी कल्टीवेशन, टी प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन? फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पे हर तरह के ट्रीज होते हैं, अलग अलग तरह के ट्रीज होते हैं। प्लांटेशन, प्लांटेशन एक ऐसा एरिया होता है जहां पे सिंगल सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। ये सिंगल क्रॉप भी हो सकती है, ट्रीज भी हो सकते हैं। जैसे सपोज गवर्नमेंट चाहती थी कि असम में हर तरफ टी प्लांटेशन हो, क्योंकि असम का जो एनवायरमेंट है दैट इज सुटेबल फॉर टी, तो इसीलिए वहां पे प्लांटेशन वर्कर्स को अपॉइंट किया गया। अब असम में लोग जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जो सेंट्रल एरियाज मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी, बिहार के जो फार्मर्स थे वो असम में जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पीरियड में एक एक्ट बनाया, इस एक्ट का नाम है 1859 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इमिग्रेशन एक्ट, जिसके लिए वर्कर्स को असम जाना पड़ेगा 5 साल के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा उनको, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, इसमें क्या किया, उनको इंसेंटिव दिए गए। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप बॉर्डर एरियाज या असम में जाओगे तो वहां पर आपको फैसिलिटीज दी जाएंगी। स्टार्टिंग में तो बहुत से प्लांटेशन या अनएम्प्लॉयड जो लोग थे दे बिकेम वेरी हैप्पी। सपोज जैसे इंडिया में है, इंडिया में आपको कमीशन एजेंट्स कहें कि हाँ जी वहां पे आपको जॉब मिलेगी, फैसिलिटीज मिलेंगी, और आपको लगेगा कि हाँ जी वहां पे बेस्ट होगा, तो आप जगह छोड़कर, अपनी फैमिली छोड़कर वहां पे जाने को तैयार हो गए। कंडीशन क्या थी? फैमिली नहीं लेकर जा सकते, वर्कर्स खुद जाएंगे लेकिन 5 साल तक वापस नहीं आएंगे, 5 साल तक वो वहीं पे रहेंगे। अब स्टार्टिंग में तो बहुत से प्लांटेशन वर्कर्स ने क्या किया, जॉब ज्वाइन कर ली और असम चले गए। बट लेटर ऑन व्हेन दे रियलाइज व्हाटएवर रिटन ऑन द यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दैट वाज नॉट लाइक दैट, ठीक है, जो भी उनको इंसेंटिव दिए गए वो इंसेंटिव पूरे नहीं हुए। दे वर नॉट गिवन सैलरीज, दे वर नॉट गिवन वेजेस, प्रॉपर फूड वॉज नॉट गिवन टू दैम, दे वर टॉर्चर्ड, वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग, अनहाइजेनिक कंडीशंस, नो मेडिकल फैसिलिटी, छुट्टी नहीं थी जैसे रशिया के वर्कर्स के साथ होता था, सेम वैसा ही। अब ऐसे लोगों को, यानी कि जब जिनको जो इंसेंटिव दिए गए वो पूरे नहीं हुए, दिस वॉज द मेन रीजन वाई दे रिवोल्ट। वेन दे हर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उनके लिए इनको लगता था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अगर वो महात्मा गांधी को सपोर्ट करेंगे तो गांधी राज आएगा, स्वराज आएगा, जिसमें उनको अपने अपने घर जाने का मौका मिले। और इसके उन्होंने क्या किया, दे ब्रोक कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ना, जगह छोड़कर इलीगली वापिस आ, यानी कि वो इतने फैटअप हो चुके थे, मैनी ऑफ द प्लांटर वर्कर्स दे ब्रोक द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी गाइड जो भी टर्म्स थी, एंड दे स्टार्ट लीविंग। लीविंग का मतलब होता है प्लांटेशन को उन्होंने लीव करना शुरू कर दिया। बट यू नो मैनी ऑफ देम वर कैप्चर्ड, यानी कि बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया, दे वर किल्ड, मारा भी गया, एंड सम ऑफ देम अगर वो अपने घर वापस भी आ गए, ठीक है, उनको पकड़ लिया गया, उनको फिर से वापस लेकर गए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, ठीक है, उस टाइम पीरियड में, एंड दे वर एक्सप्लॉयटेड, टॉर्चर्ड, सम वर गिवन इम्प्रिजनमेंट, कुछ को जेल भी हुई, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इनकी पार्टिसिपेशन भी भूली नहीं जा सकती। नो वे उनका वे गलत था, ठीक है, उनकी रिटेलिएशन का वे गलत था, लेकिन नॉन कोऑपरेशन में इनका मतलब क्या था, नॉट टू कोऑपरेट, ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करना, इट मीन्स ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इनके लिए भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इनको भी कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हर रॉन्ग एक्ट, यानी कि जो वायलेंट एक्ट थे, उनको सपोर्ट नहीं किया। उनका मानना था कि जो कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये क्या है, क्या है, नॉन वायलेंस, ठीक है। तो ये सारा हमने बताना है कि असम के प्लांटेशन वर्कर्स जो हैं उनका उनका मीनिंग नॉन कोऑपरेशन का भी कुछ अलग था। समहाउ एनी जो भी हैं, चाहे पीजेंट्स हैं, चाहे ट्राइबल्स हैं, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मीनिंग चाहे गलत लिया, लेकिन अपनी अपनी तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेशन की। तो जब हम ये क्वेश्चन करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको अलग पार्ट्स में करो, एक में करोगे मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, एक में करोगे कंट्री साइड, कंट्री साइड अगर पूरा क्वेश्चन आता तो तीन आपने बताना है, पीजेंट रिवोल्ट, सेकेंड इज ट्राइबल रिवोल्ट, थर्ड इज प्लांटर रिवोल्ट। उन तीनों में से भी अगर सेपरेट आए तो पीजेंट्स का अलग बताना है, ट्राइबल्स का अलग बताओगे, ऐसे ना कंसेप्ट मैप बनाया करो। कंसेप्ट मैप का मतलब क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग सोचो कि पूरा क्वेश्चन आएगा
उसके बाद अगर पीजेंट्स का आएगा तो 5 पॉइंट माइंड में रखो, मैंने पीजेंट का अगर क्वेश्चन आता तो मैंने 5 6 पॉइंट्स कौन से बताने हैं, लीडर बताना है बाबा रामचंद्र सन्यासी, सेकंड बताना है अवध के बारे में स्टोरी बतानी है, अवध की शान सभा बनाई गई थी, उनका रिवोल्ट किन के अगेंस्ट था, पीजेंट्स का रिवोल्ट अपने ही विलेज एरियाज में जमींदारों के अगेंस्ट था, उन्होंने अटैक किया और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कांग्रेस पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। ट्राइबल्स का आता है तो ट्राइबल्स के 5 पॉइंट याद रखो, लीडर का नाम अलूरी सीताराम राजू, प्लेस का नाम गुडैम हिल्स आंध्र प्रदेश, थर्ड आपने बताना है फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व। प्रॉब्लम क्या आई, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में इनको जाने से इनकी एंट्री बैन कर दी, दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, नाउ दे वॉन्टेड टू रिटेलिएट सो दैट्स वाई दे ब्रोक द फॉरेस्ट लॉज। रिजर्व में जाने से मना किया था, प्रोटेक्टेड में उनको टैक्स देना पड़ता था, दैट्स उन्होंने टैक्स देने से मना किया, वो कहते हैं हम टैक्स नहीं देंगे, हम जबरदस्ती अपने एनिमल्स को एंटर कर देंगे वहां, हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे। उनके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करने, ठीक है। उसके बाद लास्ट है असम प्लांटेशन, तो ये भी आपको अलग से आ सकता है, ये पूरा प्रिपेयर करो। एनी डाउट बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो,